महाकालेश्वर मंदिर प्रांगण में चल रहे चतुर्वेद पारायण में ऋग्वेद का पारायण संपन्न हो गया है। अब सोमवार से शुक्ल यजुर्वेद का पारायण प्रारंभ होगा। श्री महाकालेश्वर मंदिर के प्रांगण में श्री महाकालेश्वर मंदिर प्रबंध समिति एवं महर्षि सांदीपनि राष्ट्रीय वेद विद्या प्रतिष्ठान एवं सहयोगी संस्था मध्य प्रदेश जन अभियान परिषद के संयुक्त तत्वाधान सुजलाम जल महोत्सव का 5 दिसंबर से ऋग्वेद की शाकल शाखा का पारायण से शुभारंभ किया गया। इसका समापन रविवार को सायकाल हुआ। वेद पारायण के प्रारंभ पूजन में प्रातः विक्रम विश्वविद्यालय के कुलपति अखिलेश पांडे सपत्नी सम्मिलित हुए। शाम को समापन अवसर पर मां निर्वाणी अखाड़े के गादीपति महंत विनित गिरी जी महाराज महर्षि सांदीपनि राष्ट्रीय वेद विद्या प्रतिष्ठान के सचिव वीरूपाक्ष जड्डीपाल महाकालेश्वर मंदिर प्रबंध समिति के समिति सदस्य राजेंद्र शर्मा सहायक प्रशासक लोकेश चौहान आदि उपस्थित रहे। सभी गणमान्य अतिथियों द्वारा ऋग्वेद की शाकल शाखा का पारायण कर रहे वेदमूर्ति ब्राह्मणों का सम्मान किया गया। मंदिर प्रबंध समिति के प्रशासक संदीप सोनी एवं सहायक प्रशासक लोकेश चौहान ने बताया कि 12 दिसंबर 2022 से 17 दिसंबर 2022 तक प्रतिदिन शुक्ल यजुर्वेद के माध्यमी शाखा का पारायण वेदमूर्ति ब्राह्मणों द्वारा किया जाएगा। इसके पश्चात सामवेद एवं अथर्ववेद का भी पारायण होगा। चतुर्वेद पारायण का समापन 27 दिसंबर को किया जाएगा।